हेलो गाइस, वेलकम टू कोर्ट फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जॉब प्रोजेक्ट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एक सिंपल सी मुद्दे पर आते हैं सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पिकअप वाली क्लास बनानी है अब। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्लास है। अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लास दिखाता हूँ कौन सी बना रहे हैं सीधा एक मुद्दे पर आगे। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एम्प्लॉय इन्फो नहीं, रिसेप्शन में जाना है मेरे को, या मेरे को यहाँ जाना है रिसेप्शन में। ठीक है, ये वाली वह क्लास बनाते हैं पिकअप सर्विस वाली, जहाँ पर हमारे साथ सारी ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन होगी। तो पिकअप सर्विस जो क्लास होगी वो सर्च रूम के बिल्कुल डिक्ट होगी। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम होगा इसका पिकअप। ठीक है, पब्लिक क्लास पिकअप, इसको कॉपी करा, कंस्ट्रक्टर में चेंज किया नाम। ठीक है, या बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे चेंज किया नाम सर्च, मैंने यहाँ पे सर्च रूम क्लास को कॉपी किया है, जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस वाले में जो बनाया था। ठीक है, मेरे को यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। पहला चेंज तो ये होगा कि यहाँ पे सर्च सर्च फॉर रूम नहीं है, यहाँ पे है पिकअप। ठीक है, पिकअप सर्विस। ठीक है, ये पिकअप सर्विस आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास जो लेबल है वो रूम बेड टाइप के नाम से नहीं है। ठीक है, मैं एक सेकेंड बनाता जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता जाऊंगा, एक सेकेंड में बनाता जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता जाऊंगा कि कैसे कैसे है। ठीक है, फिर यहाँ अब मेरे पास जो वो है टाइप ऑफ कार के नाम से। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ कार के नाम से है। ठीक है, अब इसके सामने मेरे पास यहाँ पे जो डेटा उठाना है मेरे को, वो उठाना है मेरे को वहां से, डेटाबेस में से वो उठाना है। तो इसको सबसे पहले इसको मैंने किया जे जे चॉइस किया। ठीक है, जे चॉइस किया इसको मैंने। ठीक है, जो और यहाँ पे इसको C1, अरे ये ऊपर, या इसको यहाँ पे C1 की जगह मैंने यहाँ पे किया C1 = new जे चॉइस। ठीक है, और जे चॉइस, और फिर यहाँ पे आया ट्राई, आ गया यहाँ पे ट्राई के साथ, यहाँ पे आ गया कैच, और यहाँ पे एक्सेप्शन और कोमा ई। ठीक है, जे नहीं आएगा, सॉरी जे नहीं आएगा यहाँ पे। आप क्या कर रहा हूँ मैं, जी कितनी जल्दी मचा रहा हूँ मैं इस क्लास में। कोई नहीं, ठीक है यार, क्योंकि प्रोजेक्ट अब खत्म होने वाला है, तो मेरे को जल्दी मच रही है, अब जल्दी जल्दी खत्म करो। इस वीडियो में शायद हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगी शायद इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, हाँ, तो कौन सी इक्वल्स न्यू बॉर्न बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मेरे को क्या करना है कि रिजल्ट सेट में मेरे को यहाँ पे क्वेरी चलानी है। रिजल्ट सेट इक्वल्स टू RSC.S.EXECUTE क्वेरी। ठीक है, और क्वेरी जो होगी वो वहां से मेरे को सारे ड्राइवर्स पिक करने हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्राइवर। अब मेरे को ये चेक करना है सबसे पहले तो कि मेरे पास ड्राइवर के नाम से क्लास है ना, तो शो टेबल्स किया मैंने यहाँ पे। हाँ, ड्राइवर ड्राइवर के नाम से मेरे पास यहाँ पे क्लास है। ठीक है, और फिर वाइल RS.NEXT। ठीक है, वाइल RS.NEXT, अब C1.ADD करेंगे। ठीक है, C1.ADD, और यहाँ पे RS.GetString। परफेक्ट, बाहर सैनिटाइजर वाली मशीन है वो, ठीक है, जो आवाज़ कर रही है इतनी। अरे मॉस्किटो आया ली थी, जो मॉस्किटो नहीं मारती धुआं निकलता है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ब्रांड ब्रांड उठाना है। ठीक है, तो ये उठाया मैंने यहाँ से ब्रांड। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आर एस में एरर है, सिक्वल पैकेज इम्पोर्ट हुआ है फिर आर एस में। अच्छा, यहाँ पे आर एस का इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने। ठीक है, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो इसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, C1.set bounce किया इसको मैंने। ठीक है, इसको C1.set bounce किया, ये होगा 150, और 150, 100 and 225, या ठीक है बिल्कुल। और इसको क्या करेंगे C1। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे पास दो बटन हैं, तो या ये कहाँ एरर है, अच्छा यहाँ पे एरर है। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों की मेरे को अब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं। अब चलाते हैं, एक सेकेंड लगेगा बस। या फॉर्चुनर, मेरे पास एक ही गाड़ी है क्या? ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से डेटा निकालना है, मेरे को यहाँ से डेटा निकालना है, तो मेरे को इस क्वेरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कि इंडेंटेशन को थोड़ा सा ठीक कर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे T1.set model, परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को डेटा निकालना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्राइवर। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्राइवर, वेयर टाइप इज इक्वल्स टू, नहीं, वेयर ब्रांड इज इक्वल्स टू, और C1.getSelectedItem, परफेक्शन बिल्कुल। ठीक है, वो डेटा मेरे को निकालना है। या चेक करते हैं, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल जलेबी बाई निकल के आई है। ठीक
तो मेरे को लेबल्स चेंज चेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 लेबल्स हैं, ठीक है। तो मेरे को दो दो लेबल्स मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 5 लेबल्स थे जो मैंने पिछली क्लास से बनाए थे, ठीक है। तो या लेबल्स का पहले नाम दे देते हैं, फिर चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया L8, यहाँ पे आ गया L8 एंड यहाँ पे आ गया L9 एंड L9 एंड L9, परफेक्शन बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा लेबल लेबल है वो नेम के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा और इसको किया 30 से, चला के देखता हूँ। आई हैव नो क्लू कहाँ पर आएगा, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो मेरा लेबल है वो एज के नाम से है, तो अवेलेबिलिटी की जगह मैंने यहाँ पर किया एज, ठीक है। और इसको करते हैं 170, सीधा 100 ही घटा देते हैं, देखते हैं कहाँ पर आता है। सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पर आया। इसको करते हैं 200, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा स्टेटस है वो है मेरा किस किसके नाम से, जेंडर के नाम से। कितने का गैप है इसमें, 170 का गैप है ना, तो 200 एंड 350 रखते हैं, देखते हैं कहाँ पर आता है। एज बिल्कुल सेंटर में है, जेंडर मेरे को थोड़ा कम करना है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे कम कार कंपनी, ठीक है। तो इसको करते हैं 320 और यहाँ पर है मेरे पास कंपनी, कार की कौन सी कंपनी है, और ये है मेरे पास ब्रांड, ठीक है। ठीक है, 320 में यहाँ पे कितना 120 और करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 450। सपोज 450 लिया और यहाँ पे मैंने लिया 670, ठीक है। चलाते हैं अभी, आई हैव नो क्लू कहाँ पर आएगा, मेरे को चेक करना है, ठीक है। एज बिल्कुल सेंटर में है, जेंडर थोड़ा आगे बढ़ाना है, कंपनी आगे बढ़ाना है, ब्रांड थोड़ा पीछे लेना है, ठीक है। जेंडर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, कंपनी पीछे लेना है, ब्रांड थोड़ा पीछे लेना है, ब्रांड काफी पीछे लेना है, तो इसको 600 करते हैं। मैं भूल गया क्या क्या करना था। जेंडर ठीक है, कंपनी को आगे बढ़ाना था, ब्रांड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हाँ मैं वही कंफ्यूज हो गया था, क्या क्या करना है भाई। ठीक है, तो ये आप चलाते हैं। यार ये बहुत बुरा काम होता है यार, सेट बाउंड सेट करना, ये बहुत बुरा काम है। ब्रांड बिल्कुल ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो अवेलेबिलिटी है और लोकेशन, ABALIBILITY, स्पेलिंग चेक कर लेना, अवेलेबिलिटी की ठीक है नहीं है, ABALIBILITY है जो भी है स्पेलिंग, ठीक है। आपको बस सही सही लिखनी है, ठीक है। और फिर बेड टाइप की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो आएगा लोकेशन। इसको करते हैं 920 या चलाते हैं। लोकेशन थोड़ा पीछे लाना है मेरे को, अवेलेबिलिटी ठीक है, ब्रांड ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस लोकेशन थोड़ा सा मेरे को पीछे लाना है। तो 860 लिया इसको, ठीक है। अब ज्यादा पीछे ना आ जाए। अब ज्यादा पीछे आ गया, मैं तभी तो बोल रहा हूँ भाई ये काम बहुत बुरा है। सेट बाउंड वाला जो काम है ना, ये सबसे बुरा काम है इसमें। एवेलेबिलिटी को थोड़ा पीछे लेना है मेरे को। इसको लेते हैं 740। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आप इसमें ऐड करते जाओगे, अगर आप वहाँ पे डेटाबेस में, मेरे पास सिर्फ एक ही फील्ड है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, वो देखो यहाँ पे सिर्फ जलेबी भाई है जिसके पास फॉर्च्यूनर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ही फील्ड है, आप डेटाबेस में ऐड करते जाओगे फील्ड तो यहाँ पे आती जाएंगे, ठीक है। और जो भी आप सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पैक करेंगे, अब रिसेप्शन में इसको ऐड करते हैं, ठीक है। रिसेप्शन में यहाँ पर मेरे पास ये वाली क्लास है, यहाँ पे मैंने न्यू किया और इसको किया पिकअप, ठीक है। डॉट सेट विजिबल, BISIBLE सेट विजिबल, इसको किया मैंने यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे किया दिस डॉट सेट विजिबल, और इसको किया मैंने यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। चला के देखते हैं, तो अपने पास यहाँ पे सभी जो सर्च रूम अपने पास वर्किंग है, ठीक है। पिकअप सर्विस अपने पास वर्किंग है, ठीक है। अपडेट रूम स्टेटस अपने पास वर्किंग है, ठीक है। अपडेट चेक स्टेटस अपने पास वर्किंग है, ठीक है। चेकआउट अपने पास वर्किंग है, ठीक है। मैनेजर इन्फो अपने पास वर्किंग है, बिल्कुल ठीक है। कस्टमर इन्फो अपने पास वर्किंग है, बिल्कुल ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज इन्फो अपने पास वर्किंग है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट रहता है, अब डिपार्टमेंट देखते हैं। रूम अपने पास वर्किंग है, बिल्कुल ठीक है। कस्टमर फॉर्म अपने पास वर्किंग है, या बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ डिपार्टमेंट रहता है, डिपार्टमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है। डिपार्टमेंट में भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। पिकअप सर्विस वाला जो है ना, बस भाई बिल्कुल डिट्टो, ये हमारी लास्ट लास्ट क्लास है। शुक्र है भाई, मेरी लंका लग गई भाई वीडियो बनाते बनाते इस वाली क्लास की, इस वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा लंबा प्रोजेक्ट था, बहुत
और मेरी लंका लग गई बनाते बनाते। ठीक है, डिपार्टमेंट में मैंने इसको कॉपी करा रहा सीधा। ठीक है, अब काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने वाला है। मैं बस इसमें सीधा आपको चेंजेस करके बता देता हूँ कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे। जैसे डिपार्टमेंट में यहाँ पे चेंज किया मैंने, ठीक है, पिकअप सर्विस में चेंज किया और यहाँ पे पिकअप सर्विस में चेंज हुआ। ठीक है, अब मेरे पास वहाँ पे चॉइस में कोई यहाँ पे चाहिए नहीं, बस टेबल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये नहीं मेरे को चाहिए यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को टेबल चाहिए, बस इसमें बस 2 मिनट का काम होगा आई थिंक, शायद ज़्यादा लंबा काम नहीं है। ये सभी लेबल्स नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे को सीधा चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मेरे को ये सब नहीं चाहिए। और यहाँ पर मेरे को करना है सीधे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अभी मैंने डिपार्टमेंट टेबल बनाई नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल बनानी है। ठीक है, और इसको सिंपल वहाँ जाके सेट करा देना है और फिर ये हो जाएगा सब कुछ बिल्कुल परफेक्शन के साथ होएगा। ठीक है, और इसको करते हैं 500 और इसको करते हैं 500। ठीक है, 550 कर देते हैं, चलो। ठीक है, और ये 160 से नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहली जो मेरी फील्ड होगी वो होगी मेरे डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, तो पहला जो मेरी फील्ड है वो डिपार्टमेंट के नाम से है यहाँ पे, और ये वाली जो मेरी फील्ड है ये होगी सपोज बजट के नाम से। ठीक है, अब ये 10 दिया और इसमें भी मैंने कितना दिया, 10 दिया। ठीक है, और इसको देते हैं 350, नहीं 300 देते हैं इसको, इसको देते हैं 60। ठीक है, और बट 500 तक है ना, तो बटन्स भी कम करने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे बटन्स भी। ठीक है, ये होगा सपोज 150 से। ठीक है, और ये होगा सपोज 350 से। ठीक है, और बटन्स के ऊपर से कितना होगा, सपोज 400 लेते हैं। ठीक है, मैं बस अभी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडमली सेट कर रहा हूँ मैं, मेरे को कोई क्लू नहीं है कहाँ पर आएगा, बस रैंडमली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको 50 से शुरू करते हैं। ये ऊपर से 50 होगा और ये कहाँ तक होगा, 500 एंड 300, या चलाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 500 ज़्यादा कम हो गया, मेरे को लगा नहीं था इतना कम हो जाएगा। ये वैसे ठीक है, उतना भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं इतने में भी। यहाँ ये वाला लेबल भी हटाई देते हैं, फालतू में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलाते हैं। बटन्स थोड़े से आगे बढ़ाने हैं, 50-50 आगे बढ़ाते हैं बटन को। यहाँ पे 200 आ गया, ये आ गया 400। ठीक है, बटन चलाता हूँ। यार कहाँ रखूँ और बटन, मेरे को जल्दी लग रही है। 380 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेंटर है ना बटन का बिल्कुल, या बटन का बिल्कुल सेंटर है। और 180 380। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, 180, इसको रखते हैं 370। ठीक है, सबमिट किया, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वहाँ पे टेबल नहीं है, टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और यहाँ पे फिर आएगा DEPT, वेर कैड लिखा सपोज मैंने यहाँ पे 40, और फिर BUDGET बजट, वेर कैड लिखा मैंने यहाँ पे कितना, 40। ठीक है, आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना करना पड़ेगा क्योंकि बजट, क्योंकि एक होटल का जो बजट वो होता है वो कंपनी तय करती है, तो ना तो उसका कंट्रोल एडमिन के पास होता है, ना उसका कंट्रोल रिसेप्शन वालों के पास होता है, तो वो सीधा जो उसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, सपोज जैसे ताज होटल है, ठीक है, ताज होटल का जो बजट है वो ताज होटल की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, वो तय करती है कि उनको होटल्स में अपने कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन है, एक एडमिन का ऑप्शन है, एक मेरे पास यहाँ रिसेप्शन का ऑप्शन है, तो वो जो तो ये तय करने की पावर ना एडमिन के पास है और ना फिर यहाँ पर रिसेप्शन के पास है, तो मैंने वहाँ पर ये चीज डाली हुई नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट कंपनी के पास वो होता है, तो आपको ये मैनुअली यहाँ पे डलवाना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना है, ठीक है। मैंने बस वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, क्योंकि होटल वालों को पता होना चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितना बजट एलोकेटेड है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने दिया मार्केटिंग, तो इसका जो बजट है वो सपोज मैंने लिया 11, ठीक है, और लाख, या 11 लाख लिया मैंने। अरे यार गलत हो गया, शिट, इसको मेरे को फिर से खोलना पड़ेगा, वो गलत हो गया था। यार जल्दी जल्दी में आपको, जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो दो तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ से इस वजह से गलत हो गया। तो यूज प्रोजेक्ट HMS, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ जो कि मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है। आप चाहे तो कितने भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो की जो इंट्रोडक्शन है आप वहां पर देखेंगे, फर्स्ट वीडियो जो है इस वीडियो सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो है वहां पर मैंने सभी डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरे को एक दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक डिपार्टमेंट बनाया। अरे वैल्यूज आएगा डिपार्टमेंट, और यहाँ पे स्पेस देखिए मैंने लिखा वैल्यूज, परफेक्शन बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे ये यह आपको मैं चला के दिखा देता हूँ बस, ठीक है। और इसको किया सबमिट, तो यह डेटा आ रहा है, ठीक है। बस इसको फ्रेम को थोड़ा ठीक करता हूँ, ये बिल्कुल जल्दी जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। इसको करते हैं 450, ठीक है, ये 450 नहीं 470 करते हैं, इसको 480 कर देते हैं, चलो ठीक है। ये किया मैंने यहाँ पे 480, ठीक है, और ये कितना जा रहा है 700, ठीक है। टेबल तो फिर टेबल अपनी जाएगी यहाँ पे 700 तक, और 400, ठीक है, 400 नहीं 350, ठीक है, या चलाते हैं, सबमिट किया, परफेक्ट, ठीक है। इनको आप खुद बीच में लाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी वीडियो खत्म होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं लास्ट में देना चाहता हूँ, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको गिटहब का लिंक मिलेगा, वहां से इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट में मैंने ना वेम सर्वर यूज किया ना जैम सर्वर यूज किया, क्योंकि उसमें बहुत बंदों को प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसमें सीधा MySQL यूज किया, ठीक है। MySQL का जो लिंक है वो फोर्थ वीडियो में, जो इस प्रोजेक्ट सीरीज की फोर्थ वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक जार यूज किया है, rs2xml.jar, ये फाइल है rs2xml.jar, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये वाला पैकेज होता है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, आपको सीधा कमेंट करना है, रिप्लाई जरूर आएगा। आप कमेंट नहीं करना चाहते, आप मेरे को मेल कर सकते हैं codefointerview@gmail.com पर, और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो वो तो और भी अच्छा है, ठीक है। हमारा यूजर नेम है codefointerview, ठीक है। अगर आपके इंटरनल्स नजदीक हैं, ठीक है, इंटरनल्स या एक्सटर्नल्स कॉलेज के, और आपको इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है, कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग बूट की हेल्प से, एंगुलर की हेल्प से, रिएक्ट की हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, या फिर यही वाला वाले स्विंग की हेल्प से, ठीक है, तो आपको बस मेरे को एक मेल डालनी है codefointerview@gmail.com पर, ठीक है। या तो यहाँ पर हमारी ये प्रोजेक्ट सीरीज खत्म हो जाती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।